आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओरियो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट की रेसिपी, जिसे हम जार में असेंबल करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं और इन्हें हम ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो इन्हें हमें यहाँ पर बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस मिक्सर को यहाँ पर हमें 2 से 3 बार ही चलाना है। तो इन्हें हम यहाँ पर ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसे ब्लेंड कर देने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर। तो इसको ऐड कर देने से जब हम इसको जार में असेंबल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये भी तैयार है। और अब हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को कट कर लेते हैं। तो इन्हें मैंने यहाँ पर पानी से धो लिया था और अब हम यहाँ पर इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज भी चॉप हो चुकी हैं और इसमें से आधी स्ट्रॉबेरीज को हम एक बोल में ले लेंगे और इसके टेस्ट को ना बैलेंस करने के लिए इसमें हम मिला देंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे ऐसे ही रहने देंगे। और जो बाकी की बची हुई स्ट्रॉबेरीज हैं उनका हम प्योरे बनाएंगे। तो उसके लिए हम पैन में जितनी भी बची हुई स्ट्रॉबेरीज हैं उनको ले लेंगे और इसमें हम मिला देंगे 1 बड़ी चम्मच चीनी। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो स्ट्रॉबेरीज है वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो इसे लो फ्लेम पे कुक होने में 5 से 7 मिनट तक का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉबेरीज है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर मैं आके फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए अब हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है और इसे अब हम 3 मिनट तक लो स्पीड पर व्हिप करेंगे और बाकी के 3 मिनट इसे हम हाई स्पीड पर व्हिप करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्रीम भी व्हिप्ड हो चुकी है। तो चलिए अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। तो सबसे पहले जार में जाएगी हमारे ओरियो की लेयर। तो उसे हम स्पून की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। और इसे लगाने के बाद जो हमने चॉप की थी स्ट्रॉबेरीज, इसमें हम वो ऐड कर देंगे। तो जो इनकी क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाएगी हमारी व्हिप्ड क्रीम की लेयर। तो उसे इवनली स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का यूज़ किया है और इसके ऊपर फिर से जाएगी हमारी सेकंड ओरियो की लेयर। तो इसके ऊपर फिर से एक बार क्रीम की लेयर जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारी स्ट्रॉबेरी प्योरी जो हमने बना के रखी हुई थी। तो प्योरी को बिल्कुल फाइन करने के लिए इसको आप ठंडा होने के बाद ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब लास्ट में हल्का सा ओरियो को हम इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा ओरियो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट। तो जब भी आप इसे सर्व करें तो सर्व करने के 2 से 3 घंटे पहले इसको आप फ्रिज में रख दें, जिससे कि वो सेट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ना इसको बनाना। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यदि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।